असम में बाल विवाह के खिलाफ सरकार की कार्रवाई से घमासान मचा हुआ है। इस मामले में फंसे लोगों और उनके परिवारों की जिंदगी में भूचाल आ गया है। कार्रवाई के बाद लोग सलाखों के पीछे पहुंच रहे हैं। जेल आने वाले युवकों की संख्या बढ़ती जा रही है और उनकी पत्नियां दर दर उन दस्तावेजों को हासिल करने के लिए भटक रही हैं, जिनसे साबित हो सके कि शादी के समय उनकी उम्र कानून के हिसाब से सही थी। कई प्रभावित परिवारों ने दावा किया है कि महिलाओं के पहचान पत्र में जन्म की डेट गलत थी, जिनके आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है, बाल विवाह पर एक्शन जारी रहेगा। ये अभियान आमार चलि आज दिन तो चलि थार भर जिस एबो 14 इयर्स विलोकर सेक्शनबूर बेलेबुल हम और बिलो 14 इयर्स जिस विलोकर सेक्शनबी नन बेलेबुल हम। पुलिस बाल विवाह के खिलाफ अभियान चला रही है। सीएम के मुताबिक 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाएगा। चार दिनों में गिरफ्तार लोगों की संख्या बढ़कर 2441 हो गई है। पुलिस के अनुसार पूरे राज्य में दर्ज 4074 एफआईआर के आधार पर ये गिरफ्तारियां की गई। माननीय मुख्यमंत्री का जो निर्देश है और हमारे डीजी साहब का जो निर्देश है, हम लोगों ने बंगाईगांव जिले में 140 केस रुजू रजिस्टर किए हैं। उसमें से कल रात से हम लोगों ने जो ऑपरेशन किया है उसमें 87 आदमी हम लोगों ने एक्यूज अरेस्ट किए हैं अभी तक, और सारों जो जितने भी एक्यूज हम लोगों ने अरेस्ट किया कल हम लोग कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं। हाँ, इसमें आपका 29 ग्रूम्स है, फैमिली मेम्बर्स है और काजी और प्रीस्ट भी हैं इसमें। ये दो एक्ट हम लोगों ने यूज किए, एक तो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट और एक है पोक्सो एक्ट, दोनों में हम लोगों ने यूज करके इसको केस रजिस्टर किए। वहीं AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने इस मुहिम के पीछे की मंशा पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि असम सरकार बाल विवाह की समस्या को खत्म करना चाहती है तो उसे साक्षरता का स्तर बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए। कांग्रेस की असम इकाई के अध्यक्ष भूपेन बोरा का कहना है कि ये प्रचार के हथकंडे से ज्यादा कुछ नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस डिजिटल।